हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल का पहला पार्ट जो कि कराया हूँ हिस्ट्री से, तो आज का दूसरा पार्ट है हिस्ट्री के। एकदम सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है यहाँ से। तो चलिए आज का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऋग्वेद में गाय का अनेक संदर्भ है, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी न कि जमीन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ये चारों पुष्ट होती है, उपयुक्त सभी जो कि सही हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स चेक करते हैं। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेद आर्यों को मुख्य रूप से पशु चारक कहा जाता है। इनके अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई है। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टी गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आम तौर पर गायें और दासियां होती थी और भूमि कभी नहीं होती थी। तो ऋग्वेद लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो सर विलियम जोन्स, एच एच विल्सन, मैक्स मूलर, जनरल कनिंघम। तो आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन था आपका मैक्स मूलर। तो यहाँ पे डिटेल्स पूरा चेक नहीं करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा ज़्यादा हम अभी क्वेश्चन करेंगे उस पे ध्यान देंगे, तो पूरा डिटेल चेक कर नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आपका मैक्स मूलर यहाँ पे पहला यूरोपियन हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता को जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो यहाँ पे बलि कहते थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिए गए थे? तो यहाँ पे यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो आपका ऋग्वेद से गायत्री मंत्रों को लिया गया था। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए? तो ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवद्गीता से, मुंडकोपनिषद से। तो मुंडकोपनिषद से भारतीय प्रतीक उत्कीर्ण सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो मृदभान, पाटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी, काश्कारिता, लुहार, लुहारगिरी। तो लुहार, लुहारगिरी को व्यवहार में नहीं लाई गई थी। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो यजमान, श्रवण, अर्थर्वण, श्रेष्ठिन। तो श्रमण के नाम से जानते थे। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय वाड्मय को चुनौती दी थी? तो यहाँ पे गार्गी ने चुनौती दी थी। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो आपके ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में, अथर्ववेद की संहिता में। तो आपके सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। तो यहाँ पे बौद्ध जैन धर्म से यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है? तो यहाँ पे कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आपका लुम्बिनी है। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो राजगीर, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रिक, मौर्य या शाक्य, कुरु। तो शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध ने अपना धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो प्रथम धर्म संदेश राजगिरी, पाटलिपुत्र, गया, सारनाथ। तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिए थे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपके वैशाली, कश्मीर, राजगिरी, पाटलिपुत्र। तो राजगिरी में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था।
पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो अशोक, कनिष्क, हर्ष, बिंदुसार। तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन आपके हर्ष ने की थी। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो संस्कृत, प्राकृतिक, पालिक, सौरसेनी। तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए आपका पाली भाषा का उपयोग किया गया है। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। तो बौद्ध साहित्य की पहचान यहाँ पे त्रिपिटक में मिलती है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। त्रिपिटक आपका धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। ये वर्ग थे वाणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्री एवं शूद्र। तो आपका स्त्री एवं शूद्र जो कि बौद्ध धर्म में समाज के देव वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, स्त्री एवं शूद्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से, गुप्त काल से। तो अजंता कलाकृतियाँ आपके गुप्त काल से संबंधित है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन आपके सारनाथ में दिए थे। सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट यहाँ से करा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण आपको मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो आपका ए बी आपका सही है। तो दुनिया में दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं से कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। आप ए बी सी आपका सही है, डी आपका गलत है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, आपका डी रॉन्ग हो जाएगा। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। तो चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात आपके महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है अत्रेय, मैत्रेय या नागार्जुन कल्कि। तो आपके मैत्रेय को माना जाता है, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता से, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, मौर्यों काल में। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे आपके बुद्ध के काल में, सी ऑप्शन सही है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की गई थी, किसमें की गई है? तो प्राकृतिक पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ, चित्रलेखी पाठ। तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना आपके पाली पाठ में की गई थी। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो पाली, संस्कृत, अरेमेइक, प्राकृत। तो आपके आरंभिक बौद्ध साहित्य आपके पाली भाषा में रचे गए हैं। निम्नलिखित में से बौद्धों को पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो उपनिषद, वेद, त्रिपिटक, जातक। तो त्रिपिटक आपका बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना गया है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो कदम, सातवाहन, राष्ट्रकूट या मराठा। तो सातवाहन ने सबसे पहले शुरू किया गया था।
निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो दिव्य वंदना, दोहा, कोसा, सी है आपका वज्र छेदिका, डी है आपका वामसतप कासनी। तो आपका भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है आपका वामसात पाकसनी, डी ऑप्शन आपका सही है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म, महाभिष्क्रमण, प्रबोध, महापरिनिर्वाण। तो जन्म से संबंधित है। अफगानिस्तान बुद्ध की दो विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो आपके कंधार में, या काउला में, बामियान में, मजराई शरीफ में। तो बामियान में नष्ट किया गया था। बुद्ध ने निम्नलिखित किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में, कुंडग्राम में। तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे आपके बुद्ध जी ने। भारत में पाँचवीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ में की गई है? तो वाराणसी, गया में, नालंदा में, तक्षशिला में। तो आपके नालंदा में, जो कि पाँचवीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना आपके नालंदा में की गई थी, जो कि पाँचवीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी द्वारा की गई थी, जिसके प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग ने यहाँ 18 महीने रहकर अध्ययन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु, राजगृह। तो बुद्ध को प्रबोध आपके बोधगया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति। तो बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न कहलाते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो बौद्ध धर्म इसका प्रचार करने वाला धर्म है। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। तो इसका आंसर विलोपित किया गया है। तो यहाँ पे डिटेल्स चेक कर लेते हैं एक बार। बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगध राज बिंबिसार और अजातशत्रु कोसल नरेश प्रसेनजीत तथा वत्स राज उदयन ने उन्हें राजाश्रय प्रदान किया और उनकी शिष्यता ग्रहण की। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो जैन, बौद्ध, हिंदू या ईसाई धर्म। तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन है? तो अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभ। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर आपके ऋषभ हैं। महावीर कौन थे? तो 21वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर या 22वें तीर्थंकर। तो महावीर आपके 24वें तीर्थंकर थे। लॉर्ड महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी उद्यान, गुलगुमलई, पावापुरी। तो पावापुरी में लॉर्ड महावीर की मृत्यु हुई थी। महावीर की माता की कौन थी? तो यशोदा, अनोजा, त्रिशला, देवानंदी। तो महावीर की माता का नाम थी आपके त्रिशला थी। लॉर्ड महावीर का 26वां जन्मोत्सव एनिवर्सरी कब मनाया गया? तो 2000 ईस्वी, 2006 ईस्वी और 2001 ईस्वी या 2005 ईस्वी। तो 2000 ईस्वी को मनाया गया है आपका 26वां जन्मोत्सव 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो शाक्य, ज्ञात्रिक, मल्लास, लिच्छवी। तो ज्ञात्रिक। तो महावीर का जन्म आपके ज्ञात्रिक नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र, अंग। तो जैन साहित्य को साहित्यिक अंग कहते हैं। जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों को जैन धर्म अपना लिया था?
समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, तो अंतिम दिनों में जैन धर्म आपका चंद्रगुप्त ने अपना लिया था। तो यहाँ से आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा 6वीं शताब्दी से पूर्व के बाद का भारत, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी तरह चैनल में बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।